आमदीनगर होटको स्थित काली बाड़ी को हटाने के एक आदेश से बंगाली समाज सहित हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। समाज के लोग चिंतित हैं कि कहीं काली बाड़ी को हटा ना दिया जाए। बीते लगभग 40 वर्षों से स्थापित कालीबाड़ी मंदिर को लेकर विवाद इन दिनों काफी गर्माया हुआ है। आलम यह है कि हिंदूवादी धर्मावलंबियों ने एक स्वर में इसका खुलकर विरोध करना भी शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि आमदीनगर होटको स्थित रविंद्र निकेतन कालीबाड़ी के निर्माण को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया गया। क्षेत्र के कुछ स्वार्थी तत्वों और मौका परस्तों के द्वारा ऐसे कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने मामले में दुर्ग जिला प्रशासन को जांच व कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के इस फरमान से नाराज बंग समाज से भी विरोधी तल्खियत के साथ मोर्चा खोल रखा है। बंग समाज को हिंदूवादी सभी संगठनों का सहयोग भरपूर मिल भी रहा है। इस हेतु एक विशेष बैठक होटको में रखी गई। यहां बंग समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए विधायक प्रतिनिधि व पार्षद एकांश बंछोर, पार्षद लक्ष्मीपति राजू, पार्षद सीजो एंथोनी, श्रमिक नेता उज्जवल दत्ता, स्मृति नगर गृह निर्माण सोसाइटी अध्यक्ष राजीव चौबे सहित गणमान्य व समाज प्रमुख बैठक में शामिल रहे। यहां हम आपको बता दें कि न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग द्वारा बीते 13 सितंबर को आदेश जारी कर रविंद्र निकेतन कालीबाड़ी मंदिर और सांस्कृतिक भवन व मंच को कब्जा मुक्त कर सूचित करने निर्देश दिए हैं। न्यायालय के इस निर्देश से सभी में आक्रोश देखा जा रहा है। बैठक में बंग समाज के साथ खड़े विभिन्न संगठनों और धर्मावलंबियों ने एकजुटता दिखाई है। गौरवान्वित महसूस करता हूँ समाज के बीच में खड़े होकर जिसने इस भारत को जो दिया सर्वश्रेष्ठ दिया, नमन है वो बंग भूमि जिसने जिस क्षेत्र में जो दिया सर्वश्रेष्ठ दिया, सर्वोत्तम दिया, साहित्य के क्षेत्र में दिया तो शरदचंद्र दिया, बंकिमचंद्र दिया, संगीत और साहित्य में दिया तो रविन्द्रनाथ टैगोर दिया, अध्यात्म दिया तो विवेकानंद दिया, और अध्यात्म साहित्य और संस्कृति और संगीत के धनी समाज को शायद शांति प्रिय समझकर कुछ मैंने चुनो उन्होंने गलती कर दी है, वो भूल गए हैं कि समाज ने योगदान दिया तो नेता दिया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया, जो भी दिया इस समाज ने सर्वश्रेष्ठ दिया। मां शक्ति के उपासकों को नमन करते हुए ये बताऊंगा कि जिन्होंने कमजोर समझा वो जान ले, कभी जिंदर से कहा है कुरुक्षेत्र में हमेशा आपके साथ यहाँ उपलब्ध रहेंगे।
और जबकि मैं देखता हूँ इस कालीबाड़ी का मैं विशेष कर कुछ एक मतलब हर जगह का कालीबाड़ी को मैं ये देखता हूँ ना केवल उसमें बंगाली उसमें हर प्रकार के धर्म के लोग वहाँ पे वॉक करते हैं और आते भी हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे कुछ मुस्लिम भाई भी हैं जो हर कालीबाड़ी में भी आते हैं भोग प्रसाद को छक्कर मारकर भोग खाते हैं। तो ऐसा एक बैठक में शामिल मात्र शक्ति ने मां काली की मंदिर व सांस्कृतिक भवन को टारगेट में रखकर ऐसा कृत्य करने वालों की कड़ी निंदा की है। हम चाहते हैं कि ये निर्णय एक तरफा हुआ है, पूरी पूरे तथ्यों को जानकारी नहीं दी गई है कोर्ट को। हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे लेकिन कोर्ट ने एक ही तरफा डिसीजन को सुना है। हम चाहते हैं कि हमारा भी डिसीजन वो सुने, इस तरह से दोनों पक्षों का मिलकर फिर वो हाईकोर्ट जो भी डिसीजन लेंगे हमें हम मानेंगे। कुछ दो चार लोगों की वजह से इतने बड़ी संस्थान इस तरह से नहीं हो सकती है। और ये खाली एक मंदिर का विषय नहीं है, ये हमारे आसपास गुरुद्वारा मस्जिद हैं, हिंदू धर्म को आहत किया जा रहा है। बार बार आहत करने से क्या होगा, एक हम एकजुट हो जाएंगे उससे कुछ नहीं होगा। जो दो चार लोग जो हैं जो हमको परेशान कर रहे हैं हम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जा रहे हैं इस विषय से। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं, हम हाई कोर्ट की हर बात को मानेंगे लेकिन उन्होंने एक तरफ पक्ष दिया है, उस एक पक्ष को दूसरे वाले पक्ष हमारे पक्ष को भी सुने उसके बाद डिसीजन को दें। हम लोग सही इंसाफ होना चाहिए यहाँ पर। अगर ये सही बात क्या हुआ, एक तरफा क्यों हुआ ये जो ये फैसला हुआ, एक तरफा क्यों हुआ। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं मम्मी पापा को, अगर सब भाई बहन मिल के कोई लड़ाई करते हैं तो दो सबको सामने लेके फिर बात करते हैं कि क्या गलत किया। और यहाँ पर इतना बड़ा हाईकोर्ट के फैसला है, सिर्फ एक तरफा फैसला हो गया है कि चार पांच जन कोई कंप्लेंट कर दिया, वो भी माँ काली के मंदिर के कारण। हम माँ काली कैसे चाहते क्या है आप लोग, हम लोग चाहते इसका सही इंसाफ हो। अगर सही इंसाफ नहीं है, दुर्गा पूजा के पहले सारे बच्चे बोलो बुजुर्ग बोलो सब बोलो इतने पुराना मंदिर में इतना दिन के आनंद लेते आ रहे हैं, अभी दुर्गा पूजा के पहले ये कौन सा झंझट आ गया। ये सब ये बिल्कुल अभी सही होना चाहिए। अगर सारे मातृ शक्ति जाग जाए इसको मुश्किल होगा। अगर जो जो वादा किए हैं उसका पूरा सही सही इंसाफ होना ही चाहिए। बंग समाज के साथ ही हिंदू धर्मावलंबियों में आक्रोश न्यायालय के आदेश का देखा जा रहा है। देखना है इनके आक्रोश का कैसा असर पड़ता है। ट्रेंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।